हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैंने आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी सूप बनाया है जो कि ब्रोकली से बनना है। ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है और कितना थिक है, तो बहुत ही झटपट बनने वाला है ये, तो आप भी इसे बनाइए। अब इसे बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने एक फूल जो है ब्रोकली का होता है वो ले लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह साफ करके काट लिया है और अब हम इसको बनाते हैं। अब हमने एक कुकर ले लिया है जिसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच अपना बटर। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज रफली चॉप किया हुआ, ये हम डालेंगे इसके अंदर। 8 से 10 कलियां लहसुन की, थोड़ा सा फ्रेशली कुटा हुआ काली मिर्च और नमक। इसको हम ज़्यादा सौटे नहीं करेंगे, ना हमें कलर चेंज होने देना है, बस थोड़ा सा इसको इसका कच्चापन हम भगा देंगे। अब ये ब्रोकली डालेंगे, ये बहुत ही हेल्दी और हमारी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया ये सूप है ब्रोकली का। ब्रोकली तो हम वैसे भी खाते रहते हैं, कभी वेजिटेबल बनाते हैं हम लोग तो उसमें डाल देते हैं, कभी हम लोग पुलाव बनाते हैं तब डाल देते हैं, लेकिन ब्रोकली का सूप पियेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पोटैटो, इससे इसकी थिकनेस बनेगी और इसको हमें एक्स्ट्रा कोई जैसे अरारूट वगैरह है डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टेस्ट भी बहुत बढ़िया बनेगा। गाढ़ा हमारा इसी से हो जाएगा आलू से। थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे। अब हम इसके अंदर 2 कप पानी डालेंगे। अब हम इसके अंदर 2 विसल लगाएंगे। 2 विसल के बाद जब प्रेशर आउट हो जाएगा फिर हम इसको खोल के देखेंगे। ये देखिए, अब इसको हम ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर में डाल के एक बढ़िया पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद हमारा सूप तैयार है। अभी हम इसे ठंडा होने रखते हैं। ये देखिए, हमने अपने सूप को मिक्सर ग्राइंडर में डाल लिया है। अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे, हमें इसको पीसना है बस, बाकी लिक्विड जो अपने हिसाब से रखना है। ये देखिए, हमारा सूप बनके बिल्कुल तैयार हो रहा है। अब हम इसको 1-2 उबाले आने तक पकाएंगे। कितना फर्स्ट क्लास हमारा सूप तैयार हुआ है, कितना ये थिक है और कितना हेल्दी है और कितना टेस्टी है। बस अब थोड़ी सी हम इसके अंदर फ्लेवर डालेंगे, ये हमारा ब्लैक पेपर और ये हमारा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इतना उबाल बहुत है, 2 उबाल आ चुके। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और इसके हम करते हैं प्लेटिंग। ये लीजिए, हमारा ब्रोकली का सूप तैयार है जो बहुत ही जल्दी बन गया है। बाकी के सूप को हमें गाढ़ा करने के लिए या थिक करने के लिए अरारूट वगैरह डालना पड़ता है, कॉर्नफ्लोर वगैरह। इसके अंदर हमने वो चीज़ नहीं डाली, इसके अंदर हम सिर्फ थोड़ा सा हमने आलू डाला था, तो उससे ही इसका टेक्सचर देखिए कितना फर्स्ट क्लास हो गया है। आप कभी भी इसे बनाएं तो इसी तरह ही बनाएं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बढ़िया ये सूप है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।